साइबर कैफे दुकानदार की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, घटना बीते 10 जून की थी, जिसमें वारदात की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। वहीं घटना के पीछे जमीन से जुड़े कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आरोपी साइबर कैफे के मालिक धर्मेंद्र कुमार को मारने गए थे। धर्मेंद्र के नहीं मनने पर आरोपियों ने अंकित कुमार की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में कुल 11 आरोपी शामिल थे, जिनमें 5 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों को 8 लोग नजर आए थे। तफ्तीश भरने के साथ और कुछ लोग का सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित होने के बाद हम लोगों को पूरी जानकारी ये मिली कि इसमें 8 लोग डायरेक्टली और 3 लोग रेकी और अपराधियों को पनाह देने में थे। इन 11 में से 6 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी बचे 5 लोगों को हम दिल्ली से भी गिरफ्तार कर लिया। घटना के पीछे सर क्या रीज़न सामने आया? घटना के पीछे का रीज़न अभी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, पर जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है, ये घटना अंकित कुमार के नाम ऊपर होकर धर्मेंद्र के ऊपर थी और इसमें ज़मीन का मैटर प्राइमरी लगता है। पुलिस की टीम ने अनुसंधान किस तरह से की, सीसीटीवी बोर्ड से मदद ली थी या क्या, किस तरह का तरीका? अनुसंधान में हम लोगों ने इंस्पेक्टर संजय कुमार, करण विजय, जावेद और टेक्निकल टीम को लगाया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज पर पहले दिन से ही काम करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम लोगों ने पता किया कि धर्मेंद्र का, रेखी का यहाँ पर किस किस से बातचीत या लड़ाई चल रही है। उसके बाद ऋषु जैसी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऋषु कनेक्शन जितने भी लोग हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया।